एमपी और राजस्थान के बाद अब यूपी और बिहार में बाढ़ कोहराम मचा रहा है। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पटना से बक्सर तक गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पटना में फिलहाल गंगा किनारे बसे घरों के अंदर पानी घुस आया है, लेकिन गंगा की जलस्तर का रफ्तार यही रही तो जल्द ही शहर के अंदर भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाएगा। वैशाली में भी नदी की हाहाकारी लहरें रिहायशी बस्तियों में तांडव कर रही हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों को गांव से हटाकर सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। चार तस्वीरें आपके सामने जहां पर गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बिहार में गंगा में उफान से न सिर्फ पटना में बाढ़ जैसे हालात हैं, बल्कि सोनपुर में भी हाहाकार मचा हुआ है। सोनपुर में भी गंगा पूरे उफान पर है। गंगा का पानी दियारा इलाका सबलपुर और नकटा दियारा के बाद अब तेजी से सोनपुर के शहरी इलाकों में फैल रहा है। सोनपुर का ऐतिहासिक हरिहरनाथ मंदिर भी बाढ़ की चपेट में आ चुका है। मंदिर के आसपास के दुकान और बाजार सभी पानी में डूब गए हैं। रिहायशी बस्तियों में आने जाने के लिए अब सिर्फ नाव ही एकमात्र साधन है। सड़कें बह गई हैं, खेत डूब गए हैं। केले की खेती पर भी इसका असर पड़ा है। केले के खेतों में भी चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। देखिए हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। वहाँ पे ये हरिहरनाथ मंदिर जाने वाला रास्ता है और रास्ते पे देखिए किस कलर से यहाँ पे जो गंगा का पानी है बिल्कुल अब मंदिर में प्रवेश कर चुका है। और यहाँ पर जो गंडक और गंगा नदी का संगम है, जो गजगा मंदिर जो स्थल है वो पूरी तरह से डूब चुका है। और मंदिर की तरफ जो जितने ही बाजार हैं, जो मंदिर के रास्ते हैं, वहाँ पर पानी आ चुका है और जिसके चलते बैरिकेड करना पड़ा है। लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये स्थिति अभी है। हालांकि यहाँ पे लोगों का कहना है कि अभी ये स्थिति बढ़ेगी, क्योंकि अभी शुरुआत है और यहाँ हर साल होता है कि जब पानी बढ़ता है तो कई दिनों तक यहाँ पे यही हालात होते हैं, मंदिर को बंद करना पड़ता है। और अभी से ही आप देखें कि पानी यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गया है। और ये गंगा का पानी है जो अपने जो दियारा में बढ़ने के दियारा में फैलने के बाद अब किनारे तक आ चुका है। सोनपुर के कई इलाकों में फैल चुका है। दियारा के अलावा जो सबलपुर दियारा है, खाली दियारा है, वो दियारा में तो पानी फैला ही था। अब ये सोनपुर के जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे फैल चुका है। मंदिर के आसपास के इलाका आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है पानी पूरी तरीके से फैल रहा है और लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है। कैमरा मैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, सोनपुर न्यूज 24। मेरे सामने जो मंदिर देख रहे हैं वो सोनपुर का कालीघाट मंदिर है, जो हरियर क्षेत्र मंदिर के जो मंदिर है उसके बगल में है। लेकिन पूरा जो यहाँ गंडक और गंगा का जो संगम है इसे कुछ ही दूरी पर है। कुन्हाड़ा घाट सामने तरफ दिख रहा है और इसके इस तरफ आप देखिए कि जो मंदिर जो है पूरी तरीके से पानी में, बाढ़ के पानी में डूब चुका है। और बहाव इतना तेज़ है कि गंडक का जो और गंगा का जो संगम है वहाँ का जो पानी है वो बिल्कुल जो लहर है वो बिल्कुल लहर सामने बढ़ रहा है। और ये तमाम जो इलाके हैं जो सोनपुर का है, जब सब हरियर क्षेत्र मंदिर जो है उसके आसपास के इलाका है पूरा पानी में डूबे हुए हैं, जिसके चलते यहाँ पे आवागमन बिल्कुल ठप हो चुका है। जो मंदिर में आने वाले रास्ते हैं उन्हें तो बैरिकेड किया ही गया है। साथ ही जो इन तरफ भी जो छोटे छोटे बाकी जो मंदिर हैं, गजग्राह मंदिर है, कालीघाट मंदिर है, उन तमाम मंदिरों की तरफ जो है जो जाने वाले रास्ते हैं वो भी बंद हो चुके हैं, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा हो चुका है और करंट उसमें इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर लोगों को जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। कैमरा मैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, सोनपुर न्यूज 24।